सिए वियोग में राम जी रहते थे दिलगीर, सद उपदेशों से गुरु रहे बंधाते धीर। एक समय उपदेश का था छिड़ रहा प्रसंग, उसी समय जट हो गया वहां रंग में भंग। लक्ष्मण ने जाकर तभी कहा सुनी ये भ्रात, दसई आपकी किस में को सुपुल नित जात। एक दिन विप्र और महावृद्ध बैठा है दुख स्वरूप होकर, और आपके राज द्वार पे ही रोता है दुख स्वरूप होकर। एक लाश गोद में लिए हुए ये कहकर करके रोता है, लो देख लो इस रघुवंश में भी कैसा परिवर्तन होता है। क्या कारण है जो अब तक तो नहीं पिता के जीवित तो पुत्र मरा, जब तक क्यों नहीं हुआ ऐसा किस कारण मेरा पुत्र मरा। प्रभु बोले मुनि से गुरु आप ये धो बल पलाय, इस ब्राह्मण की शांति कहा करो मैं कवन उपाय। इतना सुन बोले मुनि सुनिए सब सहवास, आज सत्य तुमसे कहूं गुप्त है जो कुछ हाल। हे राम सुनो एक शूद्र धनुज जो विंध्याचल पर रहता है, अपनी सेवा का धर्म त्याग विप्रों के कार्य को करता है। उसके अधर्म के कारण ही ये नए उत्पात दिखाते हैं, बस यही हित द्विज पुत्र मरण का राम तुम्हें बतलाते हैं। सुनकर गुरु के वचन धनुष चढ़ा रघुवीर, त्यागा उसी ओर जो रामचंद्र ने तीर। उसी बाण से क्षुद्र का काट गिराया माथ, उठा लिया सुते त्रुत कह जे कौशल नाथ। चला गया जब पुत्र ले वज अपने धाम, तब होकर मन में दुखी बोले गुरुजन राम। हे गुरु किस लिए सेवक के शासन में अंधेर हुआ है, उत्पात हुआ अब किस कारण, क्यों धर्म कर्म विपरीत हुआ। इतनी सुन बोले गुरु है कुछ तुमको ध्यान, ब्रह्म हत्या के कारण मिली धर्म मर्याद। मन में यदि गौर किया जावे था पुलस्त्य का नाती रावण, पंडित था दिव था शिव जी का भक्तों का रखता था रावण। तुमने तो क्षत्रिय होकर भी संग्राम में उनको मारा है, एक विप्रवंश का नाश किया, ये क्या निर्दोष दोष तुम्हारा है। यदि अश्वमेघ यज्ञ में करो आप तो दोष भी मिट जाएगा, गंभीर फिर नभ में नीर नहीं अमृत धारा बरसाएगा। जो आज्ञा होगी वही बोले श्री रघुराज, कहा लक्ष्मण ने तभी हे सुनिए श्री महाराज। गुरुदेव ने जो कुछ हेतु कहा वह सत्य धर्म बताता है, पर मेरी बुद्धि में स्वामी कुछ और ही आता है। सीता जैसी पतिव्रता को निर्दोष आपने त्यागा है, उस देवी का है श्राप लगा जो सुख अवध से भागा है। लक्ष्मण के ये बेन सुने दुखी वे रघुवीर, बराया श्री राम के कमल नयन में नीर। आए जब दरबार में प्राता से श्री राम, तभी लखन करने लगे शुरू यज्ञ का काम। सुर असुर नाग नर और किन्नर पाकर संवाद तुरत आए, गौतम पारासर परशुराम भृगुबोध पुलस्त्य महामुनि आए। अंगद सुग्रीव नील नल वानर किष्किंधा से आए, कुछ मंत्री सात विभीषण ने लंका से अवधपुरी आए। शारदा पार्वती इंद्राणी और रिद्ध सिद्धि को सी भी आई, स्त्रियों का वेश बना करके संपूर्ण शक्तियां भी आई। सरयू के तीर हेगी वेदी रच गई जमी सुधराई से, तब उसी समय कुछ मुनि वृंद बोले और रघुराई से। यदि वेद ही कहीं जीवित हो तो उन्हें शीघ्र बुलाइए, अन्यथा यज्ञ की पूर्ति को दुर्जाई विवाह रचाइए। करो दूसरा विवाह ये शब्द सुने दुख पाए, मुनियों ने तब दीन हो बोले श्री रघुराज। अग्नि साक्षी से दिया जिसको छाया पे थोर, उसका आसन किस तरह ले सकती है और। सुने राम के वचन जब ऐसे खरेद उधार, तब मुनि तमिल मुनियों ने किया थोड़ी देर विचार। सबसे मिलकर ये सम्मति दी सोने की सीता बनवा वो, रामांगन राम की बैठा कर आरंभ यज्ञ का करवा वो। सरयू के तट मंडप के नीचे बैठे सीता रघुराई, सुबह सायत मकर महीने में छिड़ गया यज्ञ वो सुखदाई। बोले गुरु बोले भरत शीघ्र ही अब वह श्याम वर्ण घोड़ा लाओ, स्वरंग सुबह सब बसल कौशल में अति चंचल वह घोड़ा लाओ। कर गुरु की आज्ञा का शिरोधार्य श्री भरतलाल आए, श्रुति और शास्त्र वर्णित घोड़ा उसी क्षण में ले आए। विधि विधान से पूजन किया श्री राजेंद्र सुखदाई ने,
बांधा मस्तक पर एक पत्र लिख लिख निज कहे रघुराई ने सम्राट हुए दशरथ कुमार अवधेश नरेश जान ले सब वो जाय विरोधी यदि कोई रण ले करे ये वचन मान ले सब। इस भांति यज्ञ का घोड़ा अब चलने को तैयार हुआ किस ओर प्रथम जाहे घोड़ा मुनि मंडप मध्य विचार हुआ उस ऋषि मुनियों ने रघुवर से अपने कुछ दुख की व्यथा कही व्याकुल और रघुपति के आगे रावणासुर को सब कथा कही फिर सबने ये भी बतलाया अब पहले अरब अश्व उधर जाए रावणासुर के वध होने से सब भाग भूमि का डर जाए मंत्र सहित प्रभु ने दिए रिपोदन सर्वान साथ दंचा अर शत्रुघ्न हाथ में इंद्रवज समान फिर कहा राम ने हे भाई अपने दोनों सुत ले जाओ प्रिय पुत्र सुबाहु धूम केतु उनको भी युद्ध में लड़वाओ उसे युद्ध उस दुष्ट का प्राण हरने करके पापों का बदला ले लेना कर दुष्टराज के दो हिस्से दोनों भाइयों को दे देना सादर भ्राता के चरण हरिपतंसी सुखाए दुष्ट हनन की शत्रुघ्न चले महेश बनाए जिस समय विकटी है कटक रखला श्री रामचंद्र जी के जग कर भयभीत हुई भूल ढोल उठी नभ कंप उठा जीने भूतर कर पाटने को देवों का सब आए अवरणा नगरी में दूतों ने ये सब समाचार पहुंचाए निश्चय महलों में लवणा सुन को फिर सेना साथ ले खुद ही हुआ तैयार दो बार वीर बरसाओं से अति महावीर संग्राम हुआ दो ओर से कितने वीरों का तगत स्वर्ग में धाम हुआ आखिर ये युपकेतु कर से युपकेतु का प्राण समाप्त हुआ मातंग सुहाहु के डर से विरोचित गति को प्राप्त हुआ दोनों पुत्रों के मरते ही उड़ गए वो लवणासुर के अनचेत छोड़ भागने लगे योद्धा निश्चय लवणासुर के तनता ने चौने लगी उसी समय रिपुहन के एक बाण छोड़ा लगते ही जिसके गिराव आदम पृथ्वी पर प्राणों को छोड़ा दोनों भागों में राज्य को ना बाट तमाम विश्वनगर मथुरा धरा उन दोनों का नाम धूमकेतु सुत को किया विश्वनगर का राज पुत्र सुबाहु को दिया मथुरा का महाराज स्त्रह उधर शत्रुघ्न लाल करले समाज प्रसार रहे और उधर नित्य श्री रूपर का पुर अवध लगा दरबार रहे एक दिवस श्री राम